हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम 22 अगस्त का करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं। दिन भर की खबरें फटाफट हम पढ़ेंगे और आज जो कुछ योजनाओं पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, विशेषकर जो पिछड़ी जनजातियाँ हैं और अनुसूचित जातियां हैं और जिनको पोषण के लिए खाना नहीं मिल पा रहा है, इसके अलावा किसानों के लिए भी एक योजना बनाई गई है जिसमें कि कोरोना के काल में जो भी किसानों पर संकट आया हुआ है उससे निपटने के लिए, आत्मनिर्भर बढ़ाने के लिए, सरकार का सपना है आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए किसानों के लिए एक योजना बनाई गई है, तो वो आज हम आज की खबरों में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाला सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहा। ये दिन भर की फ्रेंड्स ऐसी खबरें जो हमारे प्रतियोगी परीक्षा में आ सकती हैं। इसके अलावा जो भी खबरें हैं वो नॉर्मली चुनाव से रिलेटेड हैं और ऐसी खबरें नहीं हैं जो आपके काम की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। MP करंट अफेयर्स के नाम पर वो है। विधानसभा सत्र कब आरंभ हुआ? तो विधानसभा सत्र जो है 21 से 23 सितंबर को आरंभ होगा। विधानसभा सत्र कब, जो आगामी विधानसभा का सत्र होना है वो 21 से 23 सितंबर के बीच होगा। मध्य प्रदेश सरकार कोरोना काल से बचने के लिए किसानों ने को जो भी संकट आया है, मध्य प्रदेश को सरकार ने बोला है कि कोरोना काल में किसानों को जो भी संकट आया उसमें हमें उनको आत्मनिर्भर बनाने की ज़रूरत है। इसके लिए वह एक योजना ला रही है जिसका नाम है कृषि अधोसंरचना कोष। इसमें क्या होगा, सरकार एक कोष जमा कर देगी किसानों के लिए जिससे किसानों खुद का अपना रोजगार बढ़ाने के लिए खुद प्रयास कर पाएंगे। तो कृषि अधोसंरचना कोष किसानों के आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा आरंभ किया गया। पिछड़ी जनजातियों के आहार अनुदान योजना में सरकार ने कितने रुपए की राशि दी? देखिए, जो आहार अनुदान योजना थी वो बहुत पहले से लागू है, जिसका हम आगे पढ़ते हैं आगे उसके बारे में। तो ये आहार अनुदान योजना में क्या किया सरकार ने, अभी एक मुश्त राशि दे दी 21,97,80,000। ये वन क्लिक योजना के तहत ये सीधे जैसे ही नेक्स्ट जो मंथ आएगा, नेक्स्ट मंथ की स्टार्टिंग में ही उनके खाते में जो महिलाएं हैं, जो महिला मुखियां हैं घर की, उन जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, मतलब अति पिछड़ी जनजातियां में हैं या BPL में आते हैं, तो उनके खाते में ये राशि पहुंचाई जाएगी। तो ये जो राशि पहुंचाई जाएगी ये आहार योजना के अंतर्गत पहुँचाई जाएगी, कितनी, 21,97,80,000। अब ये है, ये जो आहार अनुदान योजना क्या है जिसके तहत ये राशि पहुंचाई जाएगी, ये आपका मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है। कुपोषण मुक्त परिवार के लिए योजना चलाई, कौन सी चलाई, आहार अनुदान योजना कुपोषण मुक्त परिवार के लिए चलाई। इसमें क्या होगा, महिला मुखिया के खाते में 1,000 रुपये डाले जाएंगे और लेकिन अब इसमें सिंगल क्लिक से भुगतान होगा। सिंगल क्लिक से, जैसे कि सरकार ने अभी एक मुश्त राशि दे दी है, आगामी महीने की शुरुआत में ही ये रकम जो है महिला मुखिया के खाते में पहुंच जाएगी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में निवेश कितना हो रहा है, कितना आ रहा है? मध्य प्रदेश में निवेश जो है बढ़िया आ रहा है, लगभग 70% निवेश आ रहा है, मतलब लगभग 7,000 करोड़ रुपए का निवेश मध्य प्रदेश में हो रहा है। बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां मध्य प्रदेश में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो श्रोता सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? रेडियो श्रोता सम्मेलन 20 अगस्त को हुआ और कहाँ हुआ, भोपाल में हुआ। रेडियो श्रोता सम्मेलन कहाँ हुआ, 20 अगस्त को हुआ, भोपाल में हुआ। दोस्तों फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन थे। देखिए फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि आज अगर हम 22 अगस्त का पढ़ रहे हैं तो हम 21 अगस्त का क्वेश्चन पढ़ लें या 20 अगस्त का क्वेश्चन पढ़ लें। आज 22 अगस्त का है तो आज 22 अगस्त में सुबह 6 बजे से अभी रात के 10 बजे तक की जो भी खबरें रही होंगी वो मैं आपको अपनी वीडियो में कवर कराती हूँ। फिर नेक्स्ट डे में फिर वही 11 बजे से अगला 6 बजे तक की जो भी खबरें रहेंगी वो सभी इस वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड हो जाएंगी। तो आप इससे जुड़े रहिएगा, इससे आपका पूरा जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर है वो आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे। और आज का क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में ऐसे कौन सा मुख्यमंत्री है जिसका कार्यकाल सबसे कम रहा और वह कब तक रहा? इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे कम रहा और वह कब तक रहा? हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए, जहाँ पे आपको उसका PDF मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।